ओलंपिक से स्टार्ट करते हैं। मैं मेन पॉइंट्स लिखूंगा इसके, बस आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा याद करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है? इरेलीवेंट है वो चीजें, रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से, ठीक? ओलंपिक्स बस आपको यह याद रखो, स्टार्टेड इन, अगर मैं पहले की बात करूं, स्टार्टेड इन 776 BC, ठीक है? 776 BC, और ठीक है इतना यह याद कर लो कि सबसे पहले ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे 776 के बीच में, वो अलग है कि एक ये किसके उस ऊपर स्टार्ट हुए, ग्रीक गॉड ज्यूस के लिए, ग्रीस में स्टार्ट हुए, ग्रीक गॉड भाई ग्रीक माइथोलॉजी है, उसमें बहुत सारे गॉड्स हैं, ज्यूस हो गया, ओडिन हो गया, थॉर हो गया, ये ग्रीक माइथोलॉजी तो है, ये ओडिन थॉर ये सब तो नाम सुने हो गए, लॉकी वॉकी जितनी आप सीरीज वगैरह देखते हो, तो ये सब ग्रीक माइथोलॉजी, तो ज्यूस भी उन्हीं में से एक देवता है, तो उसके ओनर में ये ओलंपिक स्टार्ट किए थे, ठीक है? माउंट ओलंपिया इस नाम पर इस तरीके से, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको याद रखना है मॉडर्न ओलंपिक्स कब तो स्टार्ट हुए, मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्टेड स्टार्टेड इन 6 अप्रैल 1896 इन एथेंस। एथेंस ग्रीस। एथेंस कहाँ है भाई? ग्रीस की कैपिटल, ठीक है? ये बस इतना आपको याद रखना है कि मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए, 6 अप्रैल 1896 इन एथेंस ग्रीस में, ठीक है? अब इसका जिम्मेदार कौन था, यानी कि स्टार्ट कराने वाला, एक फ्रेंच था, ठीक है? विद दी एफर्ट्स, एफर्ट्स कह लो ऑफ, तो बस आपको दो चीज, एक तो ये याद रखनी है कि पुराने वाले ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए 776 BC में, मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए 6 अप्रैल 1896 एथेंस में, ठीक है? विद एफर्ट्स ऑफ बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है? अब इट इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद ये होता है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। अब फिर उसका वो है भाई, इसका सिंबल क्या होता है आपको पता है? 5 ऐसे करके 5 सर्कल्स होते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे, ठीक है? कौन सा, येलो, वो सॉरी पहले होता है ब्लू, फिर ब्लू ब्लैक रेड एंड येलो एंड ग्रीन, ऐसे होता है, और हर किसी का सिंबल है, एक यूरोप के लिए, एक अमेरिका के लिए, एक ओशनिया के लिए, ओशनिया का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है? तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है। ये मैंने 5 रिंग्स बनाई है ऐसी, ऐसा ही सिंबल, ऑडी से कंफ्यूज मत हो जाना, ऑडी का सिंबल क्या है? 4 सर्कल जो होते हैं, ठीक है? तो ये ऑडी का सिंबल है, ऑडी से मत हो जाना, इसमें 5 है बस, ठीक है? ओलंपिक्स कौन से, 2020, कौन से वाले हैं? समर वाले, दो होते हैं ये, समर विंटर ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, जापान टोक्यो, इनकी वो है, जापान टोक्यो में हो रहे हैं, लेकिन अभी हुए हैं ये 23rd जुलाई और 23 8 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है? आपको फिर इसके अलावा इसमें और क्या याद रखना है, आपको अगला याद रखना है कि क्या होना चाहिए, अगला अगला जो होगा, अगला कब होगा, ओलंपिक्स 2024 वाला, 2024 समर वाला कहाँ होगा भाई? पेरिस, फ्रांस। फ्रांस, ठीक है? ऐसे ही आप एक विंटर का याद रखो, ओलंपिक्स कब होगा, विंटर वाला कब होगा, कोई बताए? 2022, 2022 2022 में, ये विंटर वाला, 2022 हाँ, ये कहाँ होगा भाई? बीजिंग, बीजिंग चाइना, ठीक है? बस इतना रिलेवेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जब भी किसी उसके स्पोर्ट्स के बारे में आता है,
तो बस इतना ही आएगा कि भाई अगला कौन, अगला कहाँ हो रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है 100% चांसेस जो होते हैं वो यही होंगे, नेक्स्ट ओलंपिक्स या नेक्स्ट जो भी गेम होगा वो कहाँ होगा। तो मैंने आपको ओलंपिक्स के बारे में क्या बताया, स्टार्टेड इन 776 BC ऑन द ओनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस, ठीक है, माउंट ओलंपिया एक था उसके उस वक्त किए हुए। तो फिर पूछा जाए मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए, तो 6 अप्रैल 1896 में एथेंस ग्रीस में, ठीक है। एक नाम बताया मैंने बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है, इसके एफर्ट से। इट इज ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4 ईयर, था 4 साल में होता है, समर और विंटर में। तो समर वाले अलग चलते हैं, विंटर वाले अलग चलते हैं। 2020 वाले समर वाले जो थे जापान टोकियो में होने थे, वो अब हो रहे हैं 2021 में ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो आपको अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, ओलंपिक्स 2020 जो थे वो अब हो रहे हैं 23 जुलाई से अभी स्टार्ट हुए हैं जापान टोक्यो वाले। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया है ना, आपको पूछा जाएगा ओलंपिक्स 2020 कहाँ या कब हुए, तो इस तरीके से आएगा, इसमें ट्विस्ट आ जाएगा थोड़ा सा कि जापान टोक्यो में तो है, आपको डेट पता थी 2020 में होने वाले थे, तो ये डेट पूछ सकता है कि तब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, या तो ये दे देगा कि कैंसिल हो गए, या तो ये दे रहा है कि भाई हो चुके, या अगली कोई दे देगा 2022 इस टाइप की डेट दे देगा, या और एक साथ में ये भी होगी कि 2021। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ओलंपिक 2020 थोड़ा सा चेंज है ना कि 2020 की जगह ये 2021 में हो रहे हैं, ठीक है। तो 2020 वाले जापान टोक्यो वाले 2021 में हो रहे हैं, ठीक। अगला समर ओलंपिक्स जो है वो 2024 में होगा, फ्रांस में होगा, पेरिस में, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स जो है 2022 में होगा, ये 4 साल ऐसे चलता है, इससे पहले 2018 में हुआ होगा, ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। बीजिंग चाइना, वो इतना रिलेवेंट नहीं है कि पहले कहां हुए थे। जैसे अगर मैं समर ओलंपिक्स का हूं, 2016 वाले वो हुए थे रियो में, रियो कहां है, ब्राजील में, ठीक है। और विंटर वाले हुए थे प्योंगचांग में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट है कि अगला कब होगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट याद कर लो, ये तो बहुत आसानी है। फर्स्ट और लास्ट तो याद करने ही चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930 हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ है भाई? सर कनाडा। कनाडा, गुड। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भाई ये 1930 थे, ठीक है, और 4 साल इसका भी वही है कि आफ्टर एवरी, इसकी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, तो उसका नाम क्या है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, या जो इसको कंट्रोल करती है उसका बस नाम याद कर लो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसका नाम क्या है, द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, CGF। क्या है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम? CGF, द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको बस याद रखनी है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स CWG, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? बर्मिंगम में, ठीक है, बर्मिंगम कहाँ ये? इंग्लैंड, ठीक है। 2000 कब का है ये? 22 का है ये, हाँ ये और लिखना, 2022 का बर्मिंगम में होगा, इंग्लैंड में, ठीक है, इन 2022 बर्मिंगम में आई आता है, ठीक है।
इसमें क्या है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए? 1930, बस इतना इंपॉर्टेंट है, 1930 हैमिल्टन कनाडा, बस 4 साल बाद होता है तो पता ही है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या है इसकी, याद कर लेना, द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट कब होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। कहाँ कहाँ होगा बर्मिंघम इंग्लैंड, कब होगा? इन 2022। ठीक, इससे ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। एशियन गेम्स, इसका मामला क्या है भाई? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, और एशियाड, एशियाड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एशियाड। ठीक है, तो एशियाड किसका दूसरा नाम है भाई? एशियन गेम्स का नाम है। ये भी क्या है? आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, ये भी हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, इसकी क्या है रेगुलेटिंग कमेटी? ठीक है, रेगुलेटेड बाय, ये किसके जरिए रेगुलेट होती है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ये इसके जरिए रेगुलेट होती है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, सुपरविजन किसका है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, लेकिन रेगुलेटेड होती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ये चीज है। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 1951। फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 कहाँ हुए थे भाई, बताओ? 1951 दिल्ली, में हुए, न्यू न्यू दिल्ली। दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ठीक है, इतना पहला वाला यही है। ठीक है, उसके बाद अगला कब होगा ये? द नेक्स्ट गेम शेड्यूल टू बी हेल्ड 2022 में ही होगा, क्योंकि भाई पता है नेक्स्ट एशियन गेम्स कब होगा? इन 2022 कहाँ होगा? चाइना में होगा। कौन से सिटी? चाइना, हैंगजो। ठीक है, हैंगजो, हैंग जो, ZHOU, चाइना, बस दैट्स इनफ, इसके लिए इतना काफी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एशियाड, 4 साल बाद होता है, रेगुलेटेड बाई OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, IOC। ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 न्यू दिल्ली में हुए, नेक्स्ट एशियन गेम्स यानी कि आपके बाद जो होंगे 2022 में होंगे, हैंगजू चाइना में। ठीक है, ऐसे ही एक छोटा सा अपडेट अब उसके लिए, जैसे मैं लिखूं क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें भी वही फर्स्ट लास्ट और ये बस, और कुछ नहीं फिलहाल, ये बड़े बड़े उसके लिए। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज है आगे। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज इन इंग्लैंड इन 1975। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975 इंग्लैंड में हुआ था ऑर्गेनाइज, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, बस इतना। और अगला कब होगा भाई? नेक्स्ट कब होगा बता, बताओ जरा। सर, दो टू हजार थाउजेंड तेईस तेईस 2023 में होगा, कहाँ होगा? इंडिया। 2023 में इंडिया में होगा भाई, ये शेड्यूल्ड है। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज इन, कहां पर हुआ था फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप? सर, बार्सिलोना। बार्सिलोना स्पेन में। ठीक
कब हुआ था? 1971 में, हाँ, बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है, ये है। और इसका नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ होगा सर? सेम है 2023 इंडिया 2000 एक्चुअली ये जो होने वाला है ना, ये जो होने वाला है ये 22 की जुलाई में या जनवरी के 2023 में होना है। ये दो डेट्स हैं, है ना, जुलाई 2022 या 2023 में, ये है। तो इसका कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है। होना कहाँ? ये इंडिया में, ठीक है। ये आगे लिखो नेक्स्ट नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, ठीक है सर। वो दो मैच होते हैं सर, एक मैच का है और एक वुमेन्स, और जनवरी 2023, ठीक है। इस तरीके से फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो फुटबॉल फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? ऑर्गेनाइज बाय फीफा। फीफा की फीफा की फुल फॉर्म क्या है सर? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यस सर, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आ जाती है भाई, ठीक है, कभी कभी हमारी नजरों के सामने होती है और चीजें आ जाती है सामने, ठीक है। बस फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था भाई? 1930 फुटबॉल वर्ल्ड कप, हाँ 1930 में कहाँ हुआ था सर? उरुग्वे, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, उरुग्वे पढ़ो या यूरुग्वे, हाँ यूरुग्वे उरुग्वे जो भी पढ़ लो, ठीक है, यूरुग्वे पढ़ा जाता है वैसे, ठीक है। ये वाली चीज है। और नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ होगा भाई? ये 2022 में, 2022 में हो रही थी कतर, 2022 में होगा नेक्स्ट, कहाँ पर होगा भाई सर? कतर, कतर, ठीक है, ये चीज है। अच्छा एक चीज इसमें एक और पॉइंट भी था, जैसे कि जो ये वर्ल्ड कप है इसको जूल्स रोमेट कप भी कहा जाता है, रिमेट सॉरी, जूल्स रिमेट कप भी कहा जाता है, ठीक है, जिसने ये फीफा का प्रेसिडेंट भी रहा था, जूल्स रिमेट, इसके नाम पर भी, ठीक है। चलो इतना काफी है। एक मैं इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा था, अब आके फिर दूसरी टाइप के क्वेश्चन पर आएंगे हम। हॉकी, ये इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी सर, हॉकी सर, कुछ भी नहीं है, हॉकी है सर, हाँ, ये किसने बोला कि कुछ भी नहीं है? वो सही है, सही है, बाकी लोग जो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं वो सही बोल रहे हैं। इंडिया का नेशनल गेम कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, कौन सा गेम है ये, है ना, कोई सा नहीं। अब ये है कि देखो कुछ बचपन से पढ़ते हुए आए हैं लोग, जीके में और हिस्ट्री बुक्स में, सब में जो सब जगह हिस्ट्री वो लिखा हुआ, सॉरी हॉकी लिखा हुआ, हॉकी लिखा हुआ है, और क्या नाम है, कभी कभी कबड्डी भी कहते हैं। लेकिन 2012 में एक RTI डाली थी एक बच्ची ने, ऐश्वर्या ऐश्वर्या कुछ करके नाम था उसका, 10 साल की बच्ची थी, तो उसने यही डाली थी कि हम ये स्कूल्स की किताब में सब ये पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका हमें ये चाहिए, RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, उसमें कि ये बताइए कि इंडिया के नेशनल गेम हॉकी है क्या है नहीं, ठीक है। तो RTI का जवाब उस वक्त भी ये आया था, और अभी 2018 में भी एक टीचर ने डाला था, एक टीचर है, उन्होंने भी यही चीज डाला कि इंडिया का नेशनल हॉकी मतलब इज हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, क्या हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है? अगर है तो कब इसको वो चीज वो नेशनल गेम का दर्जा दिया गया, किस उसमें तारीख में, जो भी है, अगर बना है होगा खेल तो कभी तो
इसे नेशनल गेम बनाया गया होगा? तो उसका आरटीआई का भी जवाब से ही था कि देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ही नहीं ये चीज कि हॉकी है या नहीं है, और इसका जवाब भी नहीं है कि कौन सा है, तो डेट मीन्स कुछ है ही नहीं एक्चुअली। एक तो ये बहुत कंट्रा अभी तक यही है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्रिकेट है वही, क्रिकेट इतना खेला जाता है, लेकिन बचपन से हम देखते हुए कि हॉकी है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हॉकी और कबड्डी या हॉकी और कबड्डी भी लिखते हैं वक्त, तो कुछ है ही नहीं एक देखो। तो फिर इसमें यही है कंट्रोवर्शियल, अगर देखो चारों ऑप्शन मौजूद है वहां पर, तो आप और कोई सा गेम नहीं है हॉकी लिखा हुआ है तब तो हॉकी लगा दो, अगर नन ऑप्शन लिखा हुआ है तो नन लगा देना, वहां पे तुम आरटीआई का क्लेम कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। अगर कोई नन देने के बावजूद हॉकी को कहता है तो वहां पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, मतलब कि वो भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं, याद रखना मैं पहले ही कह रहा हूँ यहाँ पे मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, सारी जाहिर सी बात है हिस्ट्री जीके बहुत बड़ी है, मेन मेन जो लगती है उस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, बाकी अब अपनी जितनी पढ़ सकते हो। कंट्रीज एंड देयर नेशनल गेम्स, मैंने इसीलिए क्वेश्चन पहले पूछा आपसे अभी, किस कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है, इसके भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं कुछ ही ऐसी कंट्रीज तो बहुत सारी हैं जितनी याद कर सको आप कर लो, ठीक है। मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले ऐसे लिख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ठीक है, इंग्लैंड, स्पेन, इंग्लैंड, स्पेन, बांग्लादेश, ठीक है, और जापान, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान, इसलिए मैं इंडिया नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है मामला, रशिया, ठीक, स्कॉटलैंड, यूएसए, भूटान, स्कॉटलैंड, यूएसए, भूटान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्रिकेट, ब्राजील का फुटबॉल, ठीक है, कनाडा का आइस हॉकी, ठीक है, चाइना का टेबल टेनिस, इंग्लैंड का क्रिकेट, ठीक है, स्पेन का बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग, ठीक है, बांग्लादेश का कबड्डी, ठीक है, और मलेशिया का बैडमिंटन, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, जापान का है जूडो, मलेशिया का है बैडमिंटन, ठीक है, पाकिस्तान का है हॉकी, और रशिया का है भाई चेस और फुटबॉल, यहाँ ये दोनों हैं इसके लिए, इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कभी कभी आता है, तो आपको ऐसे दिखा जाएगा चेस फुटबॉल, ए ऑप्शन में चेस, बी ऑप्शन में फुटबॉल, सी ऑप्शन ए और बी, ए एंड बी, मतलब बोथ इस तरीके से, तो चेस एंड फुटबॉल दोनों है रशिया का, ठीक है। स्कॉटलैंड रग्बी, यूएसए बेसबॉल, बेसबॉल एंड भूटान आर्चरी, आर्चरी। नेम ऑफ प्लेग्राउंड्स, नेम ऑफ प्लेग्राउंड्स ऑफ पॉपुलर गेम्स, पॉपुलर गेम्स स्पोर्ट्स जो भी है, ठीक है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, एथलेटिक्स,
बैडमिंटन, बेसबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, ठीक है, बॉक्सिंग, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, क्रिकेट, लॉन टेनिस, ठीक है, रेसलिंग, टेबल टेनिस, जूडो, कराटे, रेसलिंग, टेबल टेनिस, जूडो, कराटे और टाइक्वांडो, एक ही है, इनके लिए एक ही यूज होगा, इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूं, टाइक्वांडो, ठीक है, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, ठीक है, गोल्फ, हैंडबॉल, स्केटिंग, गोल्फ, हैंडबॉल, स्केटिंग, पोलो, वॉलीबॉल, स्विमिंग, पोलो, वॉलीबॉल, स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है कि भाई एथलेटिक्स कहाँ खेला जाता है, ट्रैक पे, बैडमिंटन कोर्ट पर, बेसबॉल डायमंड, बॉक्सिंग रिंग। डायमंड से याद आया, डायमंड के बारे में एक फेमस और भी चीज है, क्या है, गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड किसको कहा जाता है, तो डायमंड को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, कैसी जनरल नॉलेज। क्रिकेट भाई पिच पे, और फील्ड भी कह सकते हैं हम, ठीक है, लॉन टेनिस कोर्ट, रेसलिंग, रेसलिंग होता है रिंग अरेना, रिंग अरेना में खेला जाता है। टेबल टेनिस के लिए क्या होता है भाई, बोर्ड, ठीक है, जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, इन तीनों के लिए एक ही टर्म यूज होती है, वो होती है मैट, ठीक है, फुटबॉल और हॉकी के लिए क्या है, फील्ड। अच्छा, साइकिलिंग रह गई, साइकिलिंग के लिए, साइकिलिंग जहां पे करी जाती है उसको कहते हैं वेलोड्रोम, वेलो ड्रोम, वेलोड्रोम, ठीक है। गोल्फ कहाँ होता है, सॉरी, ये आइस हॉकी रह गई, हाँ आइस हॉकी कहाँ खेली जाती है भाई, रिंक पे खेली जाती है, RINK, रिंक, रिंक मत कर देना, रिंक है, रिंक, RINK। गोल्फ होता है कोर्स पे भाई, दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी है ना, गोल्फ कोर्स, वहां पर है मैदान। हैंडबॉल कहाँ होती है भाई, कोर्ट में। स्केटिंग होती है रिंग में। पोलो कहाँ खेला जाता है, अरेना, ठीक है, और वॉलीबॉल कोर्ट, और स्विमिंग के लिए पूल एंड हॉर्स राइडिंग के लिए अरेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना जितना हो सके, ये टर्म्स याद आती है, हमें नहीं पता कौन सा पूछ ले भाई, गोल्फ पूछा गया है कई बार, ठीक है, गोल्फ पूछ लेते हैं, पोलो पूछ लिया, ठीक है, बॉक्सिंग पूछते हैं, ठीक है, तो जो यूनिक सी लगे उसे तो जरूर याद कर लेना। देखो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये तो आपको पता ही है ज्यादातर, होते जैसे साइकिलिंग है, देखो इसको पता ही नहीं होगा। नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन वन साइड ऑफ डिफरेंट गेम्स, किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं एक तरफा में, बैडमिंटन, ठीक है, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और स्नूकर, ठीक
है, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी, टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, ठीक है, कट तो नहीं रहा। हाँ, चेस, क्रिकेट, कैरम, चेस, क्रिकेट, कैरम, प्रॉक्वेट, प्रॉक्वेट, फुटबॉल, नेटबॉल, फुटबॉल, नेटबॉल, लाक्रॉस, लाक्रॉस, लाक्रॉस से पोलो, रग्बी, रग्बी फुटबॉल, ठीक है, टेबल टेनिस, वाटर पोलो, टेबल टेनिस, वाटर पोलो एंड जिमनास्टिक, जिमनास्टिक, ठीक है। चलो भाई, बैडमिंटन में कितने होते हैं? सर डबल सिंगल या के लिए सिंगल? वन होते हैं और डबल के लिए, हाँ दोनों के लिए लिख रहा हूं ना मैं। अगर सिंगल पूछा जाए तो वन, डबल में दो। एक तरफा खिलाड़ी की बात हो रही है, एक टीम की, दोनों मिला के काउंट मत कर लेना, ठीक है भाई। यही इसीलिए लिखा है नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन वन साइड ऑफ डिफरेंट गेम्स, ठीक है, यही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। बैडमिंटन में अगर सिंगल खेल रहे हैं तो वन, एक तरफ एक ही होगा, और डबल खेल रहे हैं तो दो होगा। बेसबॉल में कितने होते हैं? नाइन, नाइन खिलाड़ी, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? पांच। बिलियर्ड्स, स्नूकर में वन, बॉक्सिंग में वन, हॉकी में 11, कबड्डी में सात, फाइव ठीक है। खो खो में एक और गेम रह गया यहाँ पे, हाँ। टेनिस कहाँ गया? टेनिस का वही है, वन तो सिंगल के सिंगल ही लिए वन और डबल के लिए टू, ठीक है। और वॉलीबॉल में होते हैं सिक्स। एक गेम और रह गया, खो खो, खो खो, खो खो में कितने होते हैं भाई? नाइन, ठीक है, ये भी याद रखना। वॉलीबॉल, खो खो, ठीक है, सिंगल में वन, अच्छा सॉरी, टेनिस में सिंगल में वन, डबल में थ्री, वॉलीबॉल में सिक्स, ठीक। आगे चेस में वन, क्रिकेट में 11, कैरम में भाई वही मामला, सिंगल में वन, डबल में टू, क्रॉकेट, क्रॉकेट में तीन और छह होते हैं, ये होता क्या है? क्रॉकेट कौन सा गेम है? पहले लिख लो, मैं अभी बताऊं। फुटबॉल 11, ठीक है, फुटबॉल को आगे या ब्रैकेट में सॉकर भी लिख लेना, सॉकर भी कहते हैं भाई, ताकि याद रहे। सर, 11, क्रॉकेट में तेरह नेटबॉल तेरह होते हैं या 15 होते हैं सर? किसमें? सर क्रॉकेट में क्रॉकेट में तीन और छह का है भाई, वो कई सारे रूल्स होते होंगे वाला चीज है, लेकिन ये गेम मैंने इसलिए लिखा, ये नया दिखा इसलिए मैंने लिखा, यहाँ पे तीन और छह दिया हुआ था। बहुत सी जगह बहुत सी चीज मिलेंगे, रूल्स के हिसाब से हो सकता है कुछ हेर फेर चलती रहती है। नेटबॉल में सात, लैक्रॉस, और ये कह रहा हूं अगर ज्यादा डिटेल जाननी हो तो गूगल कर लेना इसको अच्छे से, मैं भी इसको बताऊंगा गेम क्या होता है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ये दो नए गेम लिखे हैं मैंने, नेटबॉल 7, लैक्रॉस 10, पोलो 4, ठीक है, रग्बी फुटबॉल 15, टेबल टेनिस वही है, सिंगल में 1, डबल में 2, ठीक है, सिंगल में 1, डबल में 2। वाटर पोलो में भाई, पोलो दो तरह के हैं, देखो खाली पोलो 4, वाटर पोलो 7, जिमनास्टिक में 8। भाई पोलो से याद, पोलो से याद आया, किस, ये तो सर ने पढ़ाया ही होगा आपको, किस बादशाह की मौत पोलो खेलते वक्त हुई थी? ये तो पता ही होगा बच्चों वाला, आप लोगों के लिए तो, हाँ सर कुतुबुद्दीन ऐबक। सर कुतुबुद्दीन हाँ ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा एक चीज और है, गोल्फ, गोल्फ है, गोल्फ में खिलाड़ियों की मतलब जो तादाद है या नंबर है वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ मैं ये आपको तो बता रहा था, कंप्लीट करने क्रॉकेट, पे होती क्रॉकेट, हाँ
क्रॉकेट और लैक्रोस, ये दो नए गेम देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। गेम्स बहुत सारे हैं, वैसे भी है जैसे कुछ वो नहीं है। देखो क्रॉकेट जो होता है, कॉकरेट ऐसा कुछ होता है, ग्रास में ऐसी तीन बल्लियां ऐसे टाइप से लगी रहती हैं ऐसे करके, और एक हथौड़ा सा होता है ऐसे करके, इसको मारा जाता है। और प्लास्टिक की या प्लास्टिक बॉल्स होती हैं या रबर वाली बॉल्स होती हैं, इनको अंदर डाला जाता है, क्या करा जाता है, बस इस टाइप की चीज होती है, बता रहा हूँ। एक हैमर टाइप का कुछ होता है, एक ये होता है। और लाक्रोस जो होता है वो एक तरीके से बड़ी सी छड़ी होती है, उसमें एक नेट सा लगा होता है जैसे बास्केटबॉल टाइप का, ये लेके भागते फिरते रहते हैं, कुछ डालना होता होता है, क्या होता है वो बात अलग है, उसमें आपको बता रहा हूँ। बड़ी सी छड़ी लेके और नेट सा जाल सा लगा रहता है उसमें लैक्रोस, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये भी आपको याद रखनी है।